हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामदास सोलंकी और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रैंप और स्टेयरकेस में होने वाली मिस्टेक्स को लेके। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको जितने भी डाउट्स हो, जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट्स हो, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे सिविल वर्क को और बताइए कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल रही है या नहीं रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सिचुएशन कई बार सीढ़ी में भी क्रिएट होती है। तो फिलहाल तो मैं आपको रैंप के बारे में बताने वाला हूँ आज, क्योंकि यहाँ पर साइड पे ये रैंप बन रहा है, इसमें जो मिस्टेक्स हुई है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे होंगे लाइन से जितने भी कॉलम हैं इस साइड में, और यहाँ से देख रहे होंगे इस साइड के जितने भी कॉलम हैं, ये पहले ही खड़े करवा लिए गए थे रैंप डलने के पहले। और ये जो पहले कॉलम पूरे कास्ट कर दिए गए 10 फीट की हाइट तक के लिए, 9 फीट की हाइट तक के लिए, ताकि स्लैब जो है डल सके। और उस समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि ये जो रैंप जब बनेगा तो ये स्लोप में होगा, और जब स्लोप में होगा तो अलग अलग कॉलम पर अलग अलग लेवल्स आएंगे। जैसे कि हमारा जो रैंप है ये आखिरी में, वहाँ पर आप जहाँ देख रहे होंगे तो वहाँ पर है हाफ़ लैंडिंग। तो हाफ़ लैंडिंग की जो हाइट है वो 9 फीट की हुई होती है। तो वहाँ पे 9 फीट रखा हुआ है हमने हाइट, और वहाँ से सीधा सूत लगा के इस वाले कॉलम पे यहाँ पे लाके सूत को बांधा, और जो हमारा लेवल आता है डाउन में पोर्शन में स्लोप में वो हमने रखा है। तो ये कॉलम को फिर तोड़ना पड़ा है बाद में। अभी आप देख सकते हैं कॉलम की क्या हालत हुई है, ये देख लीजिए। यहाँ से करीब 5 इंच के करीब का कॉलम तोड़ दिया गया है यहाँ पर भी, है ना, ये यहाँ पर टूटा हुआ है। इसी तरीके से सभी कॉलम टूटे हुए हैं, जैसे कि देख रहे होंगे आप, हर जगह पे टूटे हुए, क्योंकि इसे इस स्पान को सपोर्ट देने के लिए बीम देना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इस बीम को बांधने के लिए जो है डिज़ाइन में जो होता है उसको बांधने के लिए फिर तोड़ा गया है, सभी कॉलमों को तोड़ा हुआ लास्ट तक, वहाँ तक आप देखेंगे तो, है ना, वहाँ तक तोड़ा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कॉलमों को पहले ही लेवल ले लेना चाहिए था और उसी हिसाब से कास्टिंग करवानी चाहिए थी। इस कॉलम की मैं भी बात करूंगा नीचे उतर कर, क्योंकि इसे मैं बहुत आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा इसे थोड़ा। तो इन जो कॉलम्स को है, इन कॉलमों की कास्टिंग जो है सिर्फ उनकी हाइट के अनुसार होनी चाहिए थी, जितना अपना रैंप आता है, रैंप की जो हाइट होती हर जगह जगह पे जितनी, तो उस हिसाब से इसको कास्टिंग करनी चाहिए थी। पर लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया उस तरीके से, इसी वजह से इन्हें तोड़ा गया है। और इसको जो तोड़ने से अब जो इसमें बॉन्डिंग होगी उतनी मजबूत नहीं होगी बॉन्डिंग जो अब होगी, क्योंकि पुराना और जो नया कंक्रीट है वो इतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें की समस्याएं हुई है यहाँ पर, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें। यहाँ पर देखेंगे तो जो रैंप का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ ओवरलैप भी बहुत ही कम है, यहाँ ओवरलैप दिया ही नहीं गया। जब ये वाली स्लिप कास्ट हुई थी पुरानी वाली, तो इसके सरिये ओवरलैप के लिए रखने चाहिए होते बाहर, पर वो नहीं निकाले गए यहाँ पर। तो ये एक गड़बड़ी है यहाँ पर। तो कभी भी अगर छत डला है और आगे के आपको भविष्य में डालना हो तो ओवरलैप के लिए हमेशा सरिये जो है 3 फीट के बाहर निकाल दे, ताकि जो नया सरिया है और जो हमारे पुराने सरिये वो बांध कर आगे स्लैब बढ़ाई जा सके। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हम आते हैं दूसरी ओर इस तरफ, सेम जब वहाँ से उस हाफ लैंडिंग से अपना रैंप ऊपर आएगा दूसरी स्लैब के लिए, तो इसमें भी कॉलम टूटेंगे। फिर इसमें सिर्फ एक कॉलम टूटेगा जो सेंटर का बीच का है वहाँ, क्योंकि इस कॉलम पे तो स्लैब आएगी अपनी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी टूटना वो वाला कॉलम है, तो वहाँ पर टूटेगा वो कॉलम। और मैं आपको एक ख़ास कॉलम की आज डिटेल बताने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक की गई है इस वाले कॉलम के बारे में। जैसे कि आप ये कॉलम देख रहे होंगे, इस कॉलम को बीच से पूरा हटा दिया गया है, और ऊपर आप देखेंगे तो 3 फीट 3.5 फीट का कॉलम है अभी भी, और नीचे देखेंगे तो नीचे 5 फीट 7 फीट का करीब, 5 से 6 फीट का करीब कॉलम है अभी भी, और बीच में से बीम बांधने के लिए पूरा वाले। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी या नहीं, इसमें जब कॉन्क्रीट भरा जाएगा तो क्या इतना प्रॉपर बॉन्डिंग और सेटलमेंट हो पाएगा कॉन्क्रीट का जितना कि पहले था, नहीं हो पाएगा बेशक। तो इस कॉलम को यदि काटना ही था तो इसे पूरा उड़ाना चाहिए था, ये जो दिख रहा है आपको इसे पूरा ख़त्म करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे उठा हुआ भाग है, इसे इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए, इसे बराबर हैमर से एक सरफेस जो है बराबर करनी चाहिए, और थोड़ा सा गहराई जो बीच का सेंटर पार्ट है वहाँ एक ईंट के बराबर 4 इंच का थोड़ा सा गहराई कर देनी चाहिए, ताकि कॉन्क्रीट की जो पकड़ है वो अच्छी हो सके, ग्रिप हो सके उसके अंदर, उसके अंदर वो एक ब्लॉक बन जाए। उस तरीके से इसको करना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर जैसे हुआ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें सीढ़ी के केस में भी होती है और यही चीज़ें रैंप के भी केस में आती है। तो जो लेवल है ख़ास तौर पर उसका ध्यान रखना चाहिए स्लोप का, कि जो स्लोप दिया गया है उसके हिसाब से आपको कॉलम की हाइट के अनुसार कास्टिंग करवानी चाहिए कॉन्क्रीटिंग। और बाकी जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए सीढ़ी और रैंप के एरिया में कि आप पूरे कॉलम खड़े कर दें उसके बाद में फिर तोड़ रहे हो कॉलम को, क्योंकि उसमें ना तो स्ट्रेंथ होती है ना ही बॉन्डिंग होगी ये इस तरीके से। तो ये चीज़ों को अगर पहले ही ड्राइंग में प्रिपेयर कर लिया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और जो नुकसान हुआ इससे भी बच सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी लग जाती है और मटेरियल का वेस्टेज भी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो अभी जो स्टूडेंट होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उनके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं और इसमें आपको साइट के बारे में प्लस ड्राइंग के बारे में और डिज़ाइनिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता हूं, ख़ासतौर पर आरसीसी को लेके, तो आरसीसी और कंक्रीट को लेके। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उन लोगों को।